भी लाए हो ना तो खाने के लिए यहाँ पे आना, यहाँ पे तो चावल है, हाँ। साथ में पापड़, हाँ। आलू सब्जी, हाँ। मैं गारंटी से बोलता हूँ इससे अच्छा क्या। आज रात से आना शुरू कर देना, अभी से। नाउ वी आर हिचहाइकिंग, एक जगह के लिए जा रहा हूँ। सो गुड आफ्टरनून, स्वागत करता हूँ एक नया सा ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना। फिलहाल इस ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है फ्रॉम द मेन गेट। यहाँ पे जैसे कि देख ही सकते हो, नागा हेरिटेज विलेज की ओर जाने वाला मेन गेट है। एंड वी हैव द विजिटर्स आल्सो, वेलकम 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 टू हॉर्नबिल। सो यहाँ पे इस हिसाब का माहौल है, गाड़ी वाड़ी आते जाना आना जाना हो रहा है। सो आज वाले ब्लॉग में हम कहाँ पे एक्चुअली जो मेन फैक्टर मेन पॉइंट हम कहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं इन दिनों, तो वो दिखाएंगे। एक बढ़िया सा होटल बोलो, ढाबा बोलो, रेस्टोरेंट जो भी बोलो, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो है ना मे बी द बेस्ट होटल। सो वहाँ पे जाएंगे, दिखाएंगे, बहुत सारे स्टाफ का लोगों से ही मिलवाऊंगा। लेट्स गो ना। यस, फ्रॉम द मेन हॉर्नबिल वेन्यू जो दुकान है विल बी 10 मिनट का वॉक होगा। एंड वी हैव द डिगोंटा विद अस। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एंड द अदर ब्रदर, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे ना खाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, मीन्स जैसे बहुत महंगा होता है, ओवररेटेड। कुछ कुछ दुकानों में तो बहुत ही महंगा होता है। तो मैं बोलता हूँ, अभी हम लोग यहाँ पे 6 दिन हो चुका है, इतना बढ़िया, इतना मतलब सस्ता बोल सकते हो, इतना कम रेट में, मतलब इतना बढ़िया खाना आप लोग को दिखाओ, वैल्यू फॉर मनी, मतलब मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, हाँ। इतना बढ़िया है। तो और हम भाई अभी जो होटल खाने वाला हूँ ना, आप लोग खुद देख के मतलब सोख जाएंगे। सर्विस एंड ऑल द फूड क्वालिटी ना, तो और यहाँ में मेन बात आपको जितना चाहिए उतना मतलब वो करेगा। वेलकम टू किग्वेमा। ये किग्वेमा विलेज के अंदर ही पड़ता है ये वाला जगह। सो दिस इज द स्पॉट, द होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट। द लैंडमार्क ओवर हियर इज वन पेट्रोल पंप इज हियर एंड द सराउंडिंग। एंड एज फॉर माई नॉलेज ये सबसे अच्छा एक होटल ढाबा है जहाँ पे आप बढ़िया अमाउंट पे बढ़िया खाना मिल सकता है। एंड द रेस्टोरेंट, हाँ, और यहाँ पे आपका वेज नॉन वेज, हाँ, और जो लोग बाहर से देख रहे हो ना यहाँ पे जरूर आके टेस्ट कर सकते हो। नागा किचन। एंड दिस वे गोज टू मणिपुर, दिस वे गोज टू मणिपुर नेशनल हाईवे 2। ढाबा नेम नागा किचन प्योर वेज होटल, सो यू कैन गेट वेज, प्योर वेज एज वेल एज द मीट एंड ऑल। सो वी हैव द रिसेप्शनिस्ट ओवर हियर, द ब्रदर, हेलो, हाय, हाउ आर यू? फाइन, फाइन। सो हाँ, ये आप थोड़ा सा लोकेशन बताइए। तो सामने ये एक होटल पड़ता है, देन यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, व्हाट वी कैन फाइंड? द वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा ना। सो लेट यू नो, यहाँ पे जो वेज थाली है ब्रदर को भी मतलब ना, वेज थाली 120। ओके, सो वेज थाली जो है ना यहाँ पे 120 में मिलेगा। यहाँ पे दाल मिलेगा, अभी दिखाऊंगा ही, दाल मिलेगा, देन सब्जी एंड ऑल। एंड जो एक्स्ट्रा चिकन लेना पड़ेगा तो कितना होगा? 150। सो विथ ये बाउल, एक बाउल होगा, एक कटोरी में देगा आपको। तो चिकन इज 200, राइस विथ चिकन इज 200। ओके, सो ये है प्राइस। अभी खाना खाते हैं हम, और बाकी हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन? डूइंग वेल ना। ओके, या एंड दिस इज द मेन्यू ऑफ दिस होटल, तो पॉज करके आप लोग देख सकते हो। सो हाँ, इनका जो किचन है ना होटल का, सो दिस इज द कॉमन किचन। हेलो हेलो, तो कैन आसे विशी भाल ना, मेन सेफ तो कौन आसे आते मेन सेफ अपनी आसे ना, कौन आसे आंटी आंटी भी बनाई थके सब ना। ओके, सो दिस इज द कॉमन किचन, और बेसि बेसि टेस्टी आसे, बेसि बेसि भाल आसे যদি পুরা আপনি আজি না এনেকা আহি কেনা ভিডিও লই থাকা আছে হয়। हां, सो यहां पे दो ब्रदर बैठे हुए। सो ऑलमोस्ट हमारा जो डिश था, जो मंगाया था, वो आ चुका है वेज थाली। तो तीन वेज थाली। सो आई रिक्वेस्ट नोइंडा टू एक्सप्लेन की क्या से। दिस इज मतलब ये हमारा चावल है, साथ में पापड़, हां, आलू सब्जी, हां, और ये है सलाद, केमिस बॉयल, दिस इज वो है क्या नाम है, नींबू है, अनियन है, और दाल है। एंड दिस इज चटनी, चटनी, आलू चटनी, आलू चटनी है। ओके, वेज वालों के लिए हां बढ़िया है, जो भी वेज खाना खाते हैं यहां आ सकते हैं। ओके, एंड इफ यू वांट द चिकन एंड ऑल यू कैन ऑर्डर देम। एक बाउल मिलेगा, ऐसा बाउल में, एक बाउल में 150 है, तो वो आपको लेके आएगा। देन यू कैन हैव एज वेल एज विद दिस चिकन आल्सो। अभी तो हम फिलहाल के वेज ही खा रहा हूं, तो लेट्स हैव।
यहाँ पे ना जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है तो ऐसा दुकान मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम अलग अलग स्टॉल पे भी गया था, खाना वाना खाया था। आई विल एक एक्सपीरियंस हुआ था तो उसको उसके बारे में दिगंटो बोलेगा। हाँ बोलो। हाँ पहले हम लोग गया था जौन सा होटल में जहाँ गया था वहाँ पे हम लोग को राइस दिया और नेक्स्ट टाइम फिर राइस मतलब वो किया था उतना मतलब थोड़ा दिया था और जो दाल खत्म हो गया दाल मगर दाल मतलब दिया ही नहीं इतना थोड़ा सा डाल दिया और मतलब भाई ने अंडा लिया था अंडा इतना खराब था ना भाई पूरा वो पानी पानी हो गया पूरा मैंने ऑटोमेटिक टूट गया। फिर भाई उसको बोला लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया मतलब बहुत बैड बोल सकता है वो। तो ये मीन्स क्या बोला जाए जैसे हॉर्नबिल के अगल बगल में जो भी दुकान वकान है ना मीन्स आपको क्या बोला जाए हमको मीन्स थोड़ा सा बैड ही एक्सपीरियंस हुआ लेकिन एट लास्ट वी हैव दी लाइक वी फाउंड दी गुड वन एंड अभी हम यहाँ पे खाना हो रहा है विद दी दिस ऑल आइटम्स 120 और आप लोग लाइक भात चाहिए तो राइस चाहिए तो वी कैन ऑल्सो ऑर्डर देम ऑल्सो लाइक जितना चाहिए उतना ले सकते हैं ले सकते हैं। तो ये मैं ले चुका हूँ ये देखिए पापड़ भाजी नींबू देन प्याज चटनी एंड ऑल कितना सारा है एंड यू कैन ऑल्सो और ज़्यादा ले सकते हो। क्या टेस्ट है मीन्स आप लोग ना हॉर्नबिल आए हो तो ये वाला जरूर विजिट करना मैं गारंटी से बोलता हूँ इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। आज रात से आना शुरू कर देना अभी से अभी जब वीडियो जब से देखेंगे तब से आना शुरू कर देना। एकदम एकदम सो वी हैव द चिकन एज वेल ये आपको 150 का आता है कैसा है टेस्ट दिखाऊं खाना का तो भाई एक नंबर वेरी गुड इट्स फील लाइक होम। यस 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 तो चिकन का कुछ ऐसा पीस होता है देखिए बड़ा बड़ा पीस होता है ग्रेवी नॉर्थ इंडियन वालों के जो बाहर से मतलब यहाँ से नॉर्थ से बाहर से है ज़्यादातर हाँ। रोटी वगैरह खाते हैं हाँ। रोटी और दाल वगैरह ये सब कुछ भी है यहाँ पे रोटी नान भी मिल जाएंगे मेनू में है। हाँ हाँ रोटी वोटी सब मिल जाएगा हाँ। यहाँ पे ये स्पेशल चटनी है विद दी आलू एंड दी बैम्बू शूट यस सो दिस इज द एक्स्ट्रा राइस विद द एक्स्ट्रा दाल दाल डन डन क्लीन मुंह में है वो भी खत्म करना है गेट द बॉयल्ड एग्स ओवर हियर 10 रुपीस सो ऑलमोस्ट डन विद द फूड एंड ऑल एंड यहां पे ना द मेन ओनर आ चुका है हेलो गुड इवनिंग वी अप्रिशिएट योर फूड द टेस्ट एंड ऑल द प्राइस वैल्यू फॉर Yes, yes, thank you. Welcome and your food and all, very nice, is value for money. So that's why I thought like, let's make a video. Its name, Naga? Kitchen. Naga Kitchen, almost main dikhai chuka hoon. Thik ase, jai ase na? Okay. Thank you. Okay. And bye-bye to you also. Bye-bye, take care. Hornbill aaye ho na, to khane ke liye yahan pe aana, yahan pe. Guarantee bolta hoon, you will be satisfied. And this is the petrol pump. Abhi hum we are heading towards we will roam, right? Yeah, it's from Rome. Okay. Aur yahan pe aap aaoge na to mera naam zarur bolna. Football traveler karke football travelers ka video dekh ke aaya hu aise bolna. Now we are hitchhiking. Ek jagah ke liye ja raha hu. Dikhayenge aap logo ko thoda sa evening ka samay. With two brothers. Love experience hai. सो पहुंच चुका हूं हम किगुएमा मेन गेट में पहुंचा हूं तो ये है हेलो थैंक यू तो ना हम यहां पे ना सेरी ब्लॉसम ना वो ढूंढ रहा हूं एक्चुअली किगुएमा विलेज में था लेकिन अभी पता नहीं होगा कि नहीं यहाँ मेन गेट से थोड़ा आगे आ चुका हूँ हाँ ये है लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है मिर्जा थोड़ा सा ये सभी है लेकिन थोड़ा सा खत्म जो स्पॉट का बात बोल रहा था ना यही था एक्चुअली यहाँ पे ये था ये है सेरी ब्लॉसम एंड ये है पेड़ लेकिन ना पूरा सीनरी चेंज हो चुका है अभी कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं है वो था स्पॉट बहुत अभी फिलहाल के लिए तो एकदम अलग ही माहौल हो चुका है फूल वूल कुछ भी नहीं है सेमेट्री एक भी था वो भी काफ़ी बढ़िया था मीन्स एक स्पॉट था आज से 2 साल पहले
अभी तो भी है, अभी भी है लेकिन धूल वूल गिर गया, थोड़ा दस्ट ही ज्यादा था, थोड़ा खराब है। हाँ हाँ अभी यहाँ तक सही है, थोड़ा आगे से खराब है, खराब है। सो ये है गेट एंड यू कैन सी किगेमा विलेज जखमा हिसेमा मामा 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 से मामा मामा ब्लॉगिंग चल रहा है यहाँ पे। वो पूरा कहाँ पे रखा हुआ है दिखाऊंगा, पूरा पत्थर का वो नहीं टूट टिकलू ब्लॉक्स वहाँ पे रखा हुआ है, टिकलू ब्लॉक्स तो थोड़ा सा वो गंदा हो चुका है लेकिन धोने पड़ेगा, ये जगह बहुत ही बढ़िया है। नयनडा का मिस बाइक लेगा यहाँ पे ढोने का, उसी का बात बोल रहे हैं। तो रास्ते के किनारे एक फील्ड है यहाँ पे, वाह। तो यहाँ पे एक फील्ड है, फुटबॉल फील्ड। ओ वो फुटबॉल वो खेल भी रहा है वहाँ। आइया नयन ब्रदर, लेट्स एक्सप्लोर दी मार्केट, स्मॉल मार्केट, लेट्स एक्सप्लोर इवनिंग मार्केट, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो ऐसा कुछ मार्केट। हेलो आंटी, हो गई कहने का भल ना वाह। इधर कहने का मार्केट हो, इधर इवनिंग मार्केट ना कहने का इवनिंग मार्केट वाह। अल्लाह का से हो किमान पर बिकाय से दुकान अलग अलग। सो लेट्स सी ना, एक बार वो ट्राई करके देखता हूँ, छोटा है लेकिन इसके ऊपर पहन रहा हूँ ना, इसके कारण ट्राई करो। हमने ना ये लद्दाख में खरीदा था ऐसा सेकेंड हैंड, जो सेकेंड हैंड बहुत सस्ता है मिलता है वहाँ पे, मीन्स आप सोच भी नहीं पाओगे बहुत सस्ता, 200-300 में मिलता है। यहाँ पे मे भी 500 ऐसा होगा सर। ये देखो कितना का पूरा लगाया, ऐसे कितना पूरा सस्ता पड़ा है। तो माइकी लाना फोरू बच्चा পৰা যায়, হ'লে দামটো মেটাৰ কৰিব না, ইয়াত দাম বেছি হ'ব না ডিমাপুৰৰ। এইটো লেডিজ দেখ সকতে হো, ইয়ে দেখ সকতে হো, দি কালাৰ ইউনিক কালাৰ হে ইসমে, বাহ বহুত বড়া হে, লো বড়ো ঐ বাহ, এইটো তো আলাদা দেখিছি হো, ইলো হো সেল কা হে টাইগার কা। সো ইয়া ইয়ে হে স্টল ইয়াহা কা सेकेंड हैंड स्टॉल्स। एज आई सेड यहाँ का जो रेट है ना 500, जो आपका जैकेट वैकेट में पहन के दिखाया ना वो 500 से मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे वो ये किगवेमा लोकल ग्राउंड है। और एक चीज़ यहाँ पे ना, जो कल्चरल ट्रूप्स है ना, जो पार्टी है अलग अलग ट्राइब का, यहाँ पे उनका रहने वहने का व्यवस्था किया गया है, वहाँ पे रहते हैं वो। ये सब जितना भी घर है ना यहाँ पे, जो ट्राइब है ना, ट्राइब का जो ग्रुप्स यहाँ पे आके स्टे करता है, होल करता है, ये देख सकते हो अभी वापस आते हुए। सो इसी वाले जगह पे ना, जो भी कल्चरल ट्रूप्स है ना, यहाँ पे आके होल करता है, देन सुबह को यहाँ से जाता है, देन इवनिंग को वापस आके दे यूज़ टू होल्ड हियर, दे यूज़ टू स्टे यहाँ पे किगवेमा लोकल ग्राउंड के सामने, वो रहा कैंप वैम्प उनका। सो वी आर लिविंग ये वाला जगह, ये देख सकते हो पूरा ट्रूप्स आते हुए यहाँ पे। इस वाले बस पे कम है, कल्चरल ट्रूप्स सब ट्राइप में, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है ना, तो यहाँ पे पूरा खाना वाना बन रहा है। हम बार बार भी कर लिया ऑफ कैमरा। हाँ और मेरे ख्याल से ना ये हॉर्नबिल ना थोड़ा अलग अलग जगह पे होना चाहिए था, मीन जैसे इस साल कोहिमा में हुआ और नेक्स्ट ईयर अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो अलग अलग जगह पे भी लोग जाएगा। इस बहाने पूरे नागालैंड घूम लेते ना। हाँ इस बहाने पूरे नागालैंड घूम सकता था लोग, लेकिन हर साल। ओ हेलो हाय हाय मिची कैसे का थैंक यू कोनिचिबा बोलते कोड़ी कोड़ी भी हो बैठा ऐसे। ये आपका कैंप साइट एक है यहाँ पे, एंड ये देख सकते हो पेडी फील्ड ना, बढ़िया है यहाँ पर। यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा लगता है मेरे को, लोगों का ना लाइफ स्टाइल का सही है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, और जो खाना वाना ना पूरा ऑर्गेनिक। कैंप साइट रहा इस तरह है ना, पूरा कलरफुल टेंट। दिस इज द सराउंडिंग ऑफ विलेज एनवायरनमेंट। तो हाँ वही बोल रहा था ना उस समय हॉर्नबिल ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होस्ट होता है तो क्या बढ़िया होता है, मीन्स इकोनॉमी ना सर्कुलेट होता है इकोनॉमी।
और बढ़िया लगता है, लोगों को भी बहुत। जैसे अभी आज इस साल तो कोहिमा में हुआ, नेक्स्ट साल अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि फ्री हो गया, जैसे समाटर हो गया, ट्विनसांग हो गया है ना, अभी 24 चलता है, मतलब रनिंग कितना मस्त लगता है ना। वही तो क्या बोल रहे हो, वैसे मैं सो होश ना अलग अलग जगह पे होता तो इस बहाने रोड सही हो जाता रोज। बाय 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 बाय।